हेलो दोस्तों, आज एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि जनरली हर एक आर्क सेंटर्ड में आती है। तो दोस्तों, वो प्रॉब्लम है कि हमारे इंडिकेटर के जो ये बल्ब हैं ये फ्यूज़ होते रहते हैं, मतलब नया डाल देते हैं उसके बाद भी फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं, आज उसका एक रीज़न बताऊँगा जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है और आपको भी बताऊँगा इससे सोल्यूशन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो फ्यूज़ होते हैं बल्ब, इसका मेन कारण होता है आर आर यूनिट, जो कि जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई भी हुई है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, टैंकी के नीचे एक आरआर यूनिट होता है जो करंट सप्लाई करता है। जब वो ख़राब हो जाता है, जब वो ज़्यादा करंट देने लग जाता है और ज़्यादा करंट बल्ब को फ्यूज़ करता है, तो सबसे पहले उसको चेक कैसे करना है, चाबी को ऑन करना है। चाबी को ऑन करने के बाद बाइक स्टार्ट करके और लाइट जला के और फुल रेस दे के देखनी है लाइट, मतलब कि तेज़ जल रही है या नहीं, अच्छे से जल रही है, और रेस छोड़ने के बाद कम हो रही है लाइट, तो मतलब आपकी आरआर यूनिट बिल्कुल सही है। उसके बाद जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, जो कि इनमें आती है सबसे ज़्यादा, ये आप देख सकते हो, ये बल्ब, इसकी स्प्रिंग जड़ गई है। और ये क्यों जड़ी है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। दोस्तों, होता क्या है, आरएक्स 100 के ओरिजिनल पार्ट मिलने तो अब हो गए हैं बंद, तो मार्केट में आते हैं लोकल पार्ट, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट और ओरिजिनल में क्या अंतर है, ये आप उसके हाथ लगा के भी उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा, जब ये लोकल प्रोडक्ट अपनी बाइक में लगा लेते हैं और जब ये चलती है तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करती है बाइक, तो वाइब्रेशन से ये क्या होती है, स्प्रिंग जो होती है ये हट जाती है। तो दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आप इसमें क्या तो ओरिजिनल बल्ब लगाएं। ओरिजिनल बल्ब अगर आपको नहीं मिलता है, जनरली ये बल्ब लोकली मिलते हैं, तो इसकी जगह मैं सजेस्ट करूंगा आप एलईडी बल्ब लगा दें। इसमें एलईडी बल्ब में क्या होगा, वाइब्रेशन से उसकी स्प्रिंग वगैरह उसमें ऐसा कोई रोल होता नहीं है, तो आपका बल्ब अच्छा चलेगा। जनरली ये दोस्तों वाइब्रेशन की वजह से इसकी स्प्रिंग टूट जाती है और उसकी वजह से ये बार बार ये प्रॉब्लम आती है बल्ब फ्यूज़ होने की। तो दोस्तों, अगर आपकी भी बाइक में अगर बल्ब बार बार फ्यूज़ हो रहा है, तो ये चीज़ सबसे पहले ट्राई करें, और ये दो चीज़ें ही मेन रीज़न होती है बल्ब का बार बार फ्यूज़ करने का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और ऐसी और आरएक्स 100 की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आरएक्स 100 की ऐसी वीडियो मेरे इस चैनल पर लाते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।